Hello everyone, welcome to the session today. So I am Shubham Singhania, your mentor for UGC NET, Commerce and Management. So आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चन के बारे में जो कि पेपर वन का टॉपिक है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके UGC NET एग्जाम के लिए. हमें काफ़ी सारा रिक्वेस्ट आती रहती है कि ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ये क्वेश्चंस उनके ज़्यादातर गलत हो जाते हैं. सो मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है और अगर आप ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर पाएंगे. सो आज मैं उसी से रिलेटेड पाँच कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके आने वाले UGC NET एग्जाम के लिए. सो उन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आई होप कि आपने हमारे चैनल अनुज जिंदल को सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रीसेंट अपडेट्स मिलती रहे. चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ SBI बैंक इज फेसिंग द इशू रिलेटेड टू ओवर क्राउडिंग ऑफ द कस्टमर्स फॉर द विड्रॉल ऑफ कैश. वॉट शुड बी हिज अप्रोच इन टर्म्स ऑफ रिसर्च डिजाइन. सो ये जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा गया है रिसर्च के वो है रिसर्च डिजाइन. हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी रिसर्च डिजाइन के बारे में पढ़ा था कि काफी ज्यादा रिसर्च डिजाइन होते हैं और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस कि आपको कैसी सिचुएशन मिल रही है उसके बेसिस पे आपको रिसर्च डिजाइन चूज करना होता है. तो यहाँ पे बहुत इजी तरीके से बताया गया है कि SBI की एक ब्रांच है जो ओवर क्राउडिंग ऑफ द कस्टमर्स फेस कर रही है, तो यहाँ पे कौन सा रिसर्च डिजाइन हमें यूज करना है. देखते हैं चारों ऑप्शन को. ए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, सी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन एंड डी मॉडलिंग रिसर्च डिजाइन. अब स्टूडेंट्स मैं सेम अप्रोच यूज करूंगा जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जब भी आप कुछ ऐसे नई टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें या एनालिटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप चारों टर्म्स को समझें. अगर इन चारों टर्म्स को आप समझ लेते हैं तो आप बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे. तो एक बार चारों टर्म्स को डिस्कस करते हैं. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन वो होती है जब आप किसी फिनोमेना या थ्योरी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या किसी पास्ट इवेंट को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसकी सारी चीजें समझा रहे होते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स उसके अंदर थे. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का हम तब यूज करते हैं जब हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ ग्रेविटी. सो अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटी को इवैल्यूएट करें एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आएगा. तो जहां भी आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दी है जहां पे आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना चाहते हैं या जहां आप एक्चुअली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके एनालाइज कर सकते हैं तो वहां पे आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का यूज करेंगे. तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे हमारे. सी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, इसके बारे में भी हमने बात करी थी कि जब हमें प्रॉब्लम की बहुत ज्यादा क्लैरिटी ना हो, हम बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या और हम उसे और ज़्यादा एनालाइज करना चाहते हैं तो हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हमें क्योंकि प्रॉब्लम एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियर कट दी हुई है, ओवरक्राउडिंग ऑफ कस्टमर्स हो रहे थे SBI के एक ब्रांच में, सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्योंकि क्लियरली स्पेसिफाइड है तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा. डी मॉडलिंग, अब मैंने आपको बताया था कि हम किसी रियल लाइफ सिचुएशन को अगर फेस कर रहे हैं तो हम उसके बेस पे कई सारे मॉडल्स डिवाइस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड सॉल्यूशन. तो जब भी आप किसी रियल लाइफ सिचुएशन को मैथमेटिकल मॉडल या इकोनोमेट्रिक मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम मॉडलिंग का यूज करते हैं. तो यहां पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमें एक प्रॉब्लम दी गई है तो हम इसे एक क्यूइंग थ्योरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहां जो रिसर्च डिजाइन हम यूज करने वाले हैं वो है मॉडलिंग. सो आपने देखा कि अगर हमने सारे रिसर्च डिजाइन को पढ़ा हुआ है, सारे रिसर्च डिजाइन को इवैल्यूएट किया हुआ है तो हम बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ईच बास्केटबॉल प्लेयर इन अ टीम फॉर द टूर्नामेंट इज गिवन अ सेपरेट चेस नंबर या उसे बैच नंबर भी कहते हैं. वॉट काइंड ऑफ स्केलिंग मेथड हैज बीन यूज्ड इन दिस रिगार्ड. सो यहाँ पे जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्केलिंग, कई बार हमें स्केलिंग मेथड से काफी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप स्केलिंग मेथड को बिल्कुल ठीक से पढ़ लें और समझ लें. आइए देखते हैं क्या ऑप्शन हैं. इंटरवल स्केल, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और रेशियो स्केल. सबसे पहले इन चारों टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं. इंटरवल स्केल ये होती है कि जब हम दो पॉइंट्स के बीच में इंटरवल मेजर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनके बीच में गैप या डिस्टेंस कितना है और उसे क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं. जैसे कि जब आप डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं या फिर आप फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं तो दो एलिमेंट्स के बीच में आप एग्जैक्ट मेजरमेंट या डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर डिग्री सेल्सियस में आपका टेम्परेचर ये एक्स आ रहा है और फ़ारेनहाइट में ये आ रहा है तो उनके बीच का डिफरेंस एग्जैक्टली
क्या होगा, और ये डिफरेंस मेजरली फिक्स रहता है। तो इस केसेस में हम इंटरवल स्केल यूज करते हैं। नॉमिनल स्केल जैसे कि बोल रहा है नेम से रिलेटेड है, तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं एक दूसरे से तो हम नॉमिनल स्केल का यूज करते हैं। सी ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंकिंग करना या फिर प्रेफरेंसेस देना। तो जब भी हम कहीं पे रैंक करना चाहते हैं दो चार एलिमेंट्स के बीच में, लेट अस से कि हमें काफ़ी सारे चॉइसेस ऑफ टेलीविजन गिवन है ए बी एंड सी, और हम कस्टमर की प्रेफरेंस के बेस पे रैंक करना चाहते हैं कि वो कौन सी कंपनी का टीवी प्रेफर करता है। सो लेट अस से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सो जिस केसेस में हम रैंकिंग करते हैं वहाँ पे हम ऑर्डिनल स्केल यूज करते हैं। रेशियो स्केल फोर्थ ऑप्शन, जब भी हम कभी किसी एक्सपेंडिचर या किसी फॉर्म में रेशियोज को कैलकुलेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना होता है मंथ में इन प्रपोर्शन टू योर टोटल एक्सपेंडिचर, तो जब आप इसका रेशियो निकालना चाहते हैं, इसका रेशियो कैलकुलेट करना चाहते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हम रेशियो स्केल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि आप बास्केटबॉल प्लेयर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं एक टूर्नामेंट में। सो हम यहाँ पे डिस्टिंक्शन की बात कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश करने की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दैट इज नॉमिनल स्केल। सो इस तरीके से हमने स्केलिंग मेथड को ठीक से समझ भी लिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमने एक प्रॉपरली बिल्कुल नया चैनल बनाया है अनुज जिंदल यूजीसी नेट के नाम से, जिसपे सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट से रिलेटेड वीडियोस डलेंगी, बोथ फॉर पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो अगर आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई कार्ड लिंक में क्लिक करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको सारी यूजीसी नेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी सप्लीमेंट्री पार्ट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट लेआउट। अगर आपको ध्यान हो कि हमने रिसर्च रिपोर्ट लेआउट वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो रिसर्च का लेआउट होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक पार्ट होता है मेन बॉडी एंड द अदर पार्ट इज नोन एज सप्लीमेंट्री पार्ट, जो उसे सप्लीमेंट करता है या आप कह दें कि उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ में इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा सप्लीमेंट्री का पार्ट बनता है रिसर्च लेआउट रिपोर्ट का। सो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन, लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च, बिब्लियोग्राफी, रिसर्च डिजाइन, ग्लॉसरी। आई होप कि आपको इन चारों टर्म्स का मतलब पता होगा। लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च का मतलब होता है कि जो भी लिमिटेशंस रह गई हैं आपके रिसर्च में, आपने सैंपल कम यूज किया है या कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने मिस किया है, तो वो लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च में आता है और ये मेन बॉडी का पार्ट बनता है। तो ये तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं है। सेकंड, बिब्लियोग्राफी, हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप कुछ बुक्स एंड रिपोर्ट्स का यूज करते हैं तो आपको उसे साइट करना जरूरी होता है, तो इन चीजों का जिक्र आप बिब्लियोग्राफी में मेंशन कर देते हैं कि आपने क्या क्या यूज किया है, और ये सप्लीमेंट का पार्ट होती हैं। तो ये हमारा आंसर हो सकता है एक। थर्ड, रिसर्च डिजाइन, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है, हमें अपने रिसर्च लेआउट में रिपोर्ट में मेंशन करना होता है कि हमने कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज किया है और ये मेन बॉडी का पार्ट होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। डी, ग्लॉसरी, कई बार आप काफ़ी सारे टर्म्स यूज करते हैं अपने रिसर्च की रिपोर्ट में और फाइनली उन टर्म्स का डिस्क्रिप्शन देते हैं ग्लॉसरी के अंदर, तो ये भी सप्लीमेंट का पार्ट होता है, सप्लीमेंट्री पार्ट होता है रिसर्च रिपोर्ट का। सो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी एंड डी सप्लीमेंट्री पार्ट है रिसर्च रिपोर्ट लेआउट के। सो क्लियर कट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। सो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, जहाँ पे हम अलग अलग टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा गया आप समझ सकते हैं कि वो रिपोर्ट राइटिंग कह सकते हैं आप, रिपोर्ट या थीसिस राइटिंग टॉपिक से ये क्वेश्चन कवर किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर पर्सुइंग रिसर्च, मतलब ये टॉपिक जो है ये इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च से लिया गया है। देखते हैं क्या ऑप्शन है। Developing a research design, formulating a research question, deciding about the data analysis procedure, formulating a research hypothesis. So, यहाँ आपको options को देख के थोड़ा सा confusing लग रहा होगा, but अगर आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें question को, तो question आपसे ये पूछ रहा है कि किसी भी research को pursue करने के लिए सबसे पहले आपको क्या mandatory चीज़ चाहिए होती है। So, अगर आपको process of research याद हो कि सबसे पहले हमें एक problem identify करनी होती है या एक research question identify करना होता है। एक बार जब हम research question identify कर लेते हैं तभी हम research hypothesis बनाते हैं, research design choose करते हैं and finally data collect करके data एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे क्रूशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड है रिसर्च परस्यू करने के लिए वो है हैविंग अ रिसर्च क्वेश्चन। सो यहां पे जो क्लियर कट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जिसका लिंक ऊपर आई कॉलम में गिवन है। सो आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वहां पे पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज बहुत ही इजी
एंड कंसेप्चुअल फॉर्म में जो PDFs हैं एज वेल एज वीडियोज हैं उन्हें परचेज कर सकते हैं. सो प्लीज सब्सक्राइब करके परचेज जरूर करिएगा. आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. डी यू हाई सर्वेड द रिस्पॉन्स ऑफ इट्स व्यूअर्स ऑन इट्स यूट्यूब चैनल बाय आस्किंग देम फ्रीक्वेंटली टू वॉच देयर वीडियोज. द रिस्पॉन्डेंट्स वर आस्क्ड टू क्लासिफाई देम इनटू वेरी ऑफन, ऑफन, समटाइम्स, फ्यू टाइम्स, नेवर. व्हाट मिस्टेक इट हैज मेड इन इट्स क्वेश्चन. सो हम इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि ये बेसिकली आपको ये बोल रहा है कि एक क्वेश्चनायर डिजाइन किया गया है डी ओ हाई ने, जिसमें उसने पूछा है कि आप रिस्पॉन्डेंट से कि आप हमारी वीडियोस को कैसे कैसे देखते हैं. सो क्या आप वेरी ऑफन देखते हैं, ऑफन देखते हैं, समटाइम्स, एक्सेट्रा. सो यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है क्वेश्चनायर की फ्रेमिंग में. सो देखते हैं ऑप्शंस क्या है. सेंसिटिव क्वेश्चन, क्या ये सेंसिटिव क्वेश्चन? नहीं, ये सेंसिटिव क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो ये हमारा आंसर नहीं होना चाहिए. बी, लीडिंग क्वेश्चन, क्या हम यहाँ पे रिस्पॉन्सर्स को लीड कर रहे हैं किसी फॉर्म में कि वो कुछ पर्टिकुलर डिफाइंड जवाब दें. सो ये लीडिंग क्वेश्चन भी नहीं है. सी, एम्बिगुअस क्वेश्चन, ये हो सकता है. और यहाँ पे रीजन ये है स्टूडेंट्स, जब हम वेरी ऑफन, ऑफन, समटाइम्स इन टर्म्स का यूज कर रहे हैं तो ये बहुत ही सब्जेक्टिव कंसेप्ट है. हर रिसर्चर, हर रिव्यूअर अपने अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे इसको मार्क करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर दो रिस्पॉन्डेंट्स हैं ए एंड बी, तो किसी के लिए वेरी ऑफन का मतलब 5 times a week हो सकता है, जबकि किसी रिस्पॉन्डेंट के लिए इट कैन बी 15 times a week. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है क्वेश्चन में, इसलिए ये एम्बिगुअस क्वेश्चन माना जाएगा और किसी भी क्वेश्चनर में एम्बिग्युटी नहीं होनी चाहिए. सो ये मिस्टेक करी है डी यू हाई ने क्वेश्चनर फॉर्मेशन में. सो ये हमारा क्लियर कट आंसर हो जाएगा, दैट इज सी. डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, मिसलीडिंग क्वेश्चन. सो नहीं, ये क्वेश्चन मिसलीड तो नहीं कर रहा है, बट थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन के अंदर. सो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो आई होप कि ये जो हमने 5 questions किए हैं ये आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए. टिल देन कीप वॉचिंग आर वीडियो. इफ यू हैव लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड हिट द लाइक बटन. टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.